Click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन। बहुत से फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी तो उनके कहने पे ये बना रहे हैं। इसके लिए मैंने दो चिकन ब्रेस्ट के पीस लिए हैं और उनको अच्छे से वॉश करके एक एक इंच के उनका टुकड़ा करवा लिए थे इस तरह से। फिर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 लेमन जूस चाहिए होगा हमें इसके लिए। सॉल्ट मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि अभी हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। देन हम ग्रेवी के लिए इसमें दोबारा ऐड करेंगे। दही हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। हॉट पेपरिका है ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हम। जीरा है 1 टीस्पून के करीब जाएगा। चले हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। सारी चीजों को हमने ऐड कर देना है चिकन में। लेमन जूस, मीडियम लेमन था उसका मैंने स्क्वीज कर लिया है जूस। 1/2 टीस्पून सॉल्ट जाएगा इसके अंदर। जीरा और पेपरिका और दही को आप अच्छे से हीट कर ऐड। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन आधे से एक घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके रख दें। जितनी देर में ये मैरिनेट होगा उतनी देर में हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं जो कि है ग्रेवी। इसके लिए हमें चाहिए होगा टमाटर, 2 मीडियम साइज टमाटर ले लिए हैं मैंने, उसको काट लिया है। 1 बड़ा प्याज है उसको आप काट लें। ये फ्रेश क्रीम है, थिक क्रीम जो होती है, 3 टेबल स्पून चाहिए होगी। ये मेरा होममेड है गरम मसाला। सॉल्ट टू टेस्ट चाहिए इसके अंदर और 1 टेबल स्पून सूखी मेथी जो होती है कसूरी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, कैशू नट्स है रोस्टेड है, काजू ये 20 अदद होंगे, धनिया चाहिए होगा कुछ हमें फ्रेश, और ये जावित्री है और 3 से 4 अदद छोटी इलायची चाहिए होगी हमें। बटर है तकरीबन 100 ग्राम्स है, 5 टेबल स्पून के करीब होगा। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा बटर गार्निशिंग के लिए रख देना है 1 टेबल स्पून के करीब, और 4 टेबल स्पून के करीब हम डाल लेंगे इसके अंदर। जब ये मेल्ट हो जाएगा देन आप इसमें जावित्री और छोटी इलायची को अच्छे से रोस्ट कर लें, साथ में प्याज डाल लें और साथ साथ इसको मिक्स कर लें। बहुत रिच सी रेसिपी है ये और बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है। जब अनियन जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगी देन आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं और साथ साथ मसाला अपना भूनते रहें। लो टू मीडियम रखा हुआ है मैंने चूल्हे को। कैशू नट्स हम ऐड कर देंगे इसमें। रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून हमने मैरिनेशन में चिकन में यूज किया है और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया इसके अंदर और गरम मसाला, ये मेरा होममेड है। इसमें सारी स्पाइसेस को हमने रोस्ट करके डाला हुआ है। आप कोशिश करें कि आप ये बना कर रखें। मेरे ही चैनल पे आप इसकी रेसिपी को इजीली देख सकते हैं और बना सकते हैं। ये लो टू मीडियम पे फ्रेंड्स अब हमने अपना मसाला भुनने देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। टमाटर जब अच्छे से भुनने लग जाए, ये देख लें सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल, ऑयल ऊपर आ गया है, तो इसमें हमारा मसाला जो है रेडी है। अब हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है, स्मूथ सा हमने इसका पेस्ट बना लेना है। पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, आपने इसको इस तरह से ही थोड़ा ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है। अब सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल जो बचा हुआ था उसमें चिकन मैरिनेटेड चिकन जो था वो हमने ऐड कर देना है और इसको आपने लो टू मीडियम पर ही, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना, इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये अच्छे से हो जाएगा चिकन बिल्कुल वाइट हो गया है और इधर हमने इसको भी ग्राइंड कर लिया। ये देखिए आप ग्रेवी जो थी इसकी, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। बहुत अच्छे से आपने इसको ग्राइंड करना है कि कोई भी इसमें कैशू नट्स वगैरह डाले हुए हैं तो कोई भी
मुंह में ना आए खाते टाइम, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट, क्योंकि बटर चिकन है तो बिल्कुल उसकी ग्रेवी स्मूथ अच्छी लगती है। फिर आपने हाथों से अच्छे से मसल कर इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है, फ्रेश धनिया कुछ हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, और हमारी ये क्रीम चली जाएगी। थिक क्रीम है ये। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ग्रेवी जो है ये आप पर है कि आप उसको किस तरह थिक पसंद करते हैं, थोड़ा सा रनी पसंद करते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो आप उसको कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स करके लो टू मीडियम पे आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए और स्मूथ हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया हमारा बटर चिकन। बहुत मजे का है। अगर आप उसको सेम तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। आप लोग जरूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसा लगा। लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज़।